हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आज वीडियो स्टार्ट हो रही है शाम से। तो हाँ गाइस, लगभग 4 बजता होगा तब से ये वीडियो स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे जो है सिक्वा बन रहा है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बन रहा है ऊपर छत पे, मेरे देवर और देवरानी बना रहे हैं लोग। तो मेरी बेटी वीडियो ये थोड़ा सा क्लिप जो है शूट की है, तो वो भी मैं इसी में मतलब ऐड कर दी हूँ। और ये वीडियो है आपके मतलब नेक्स्ट ईद, जो ईद जिसको बोलते हैं, बहुत लोग मनाते हैं बहुत लोग नहीं मनाते हैं, तो वही ईद के कल हो का ये ब्लॉग है। तो गाइस वीडियो कंटिन्यू करिएगा। और ये ब्लॉग जो है आज का बहुत ही छोटा है, मैं जानती हूँ। बहुत लोग कहते हैं छोटा वीडियो बनाइए, बहुत लोग कहते हैं बड़ा वीडियो बनाइए। तो चलिए छोटा बड़ा मिक्स करके बनाएंगे, कभी कभी देखते हैं। तो ब्लॉग कंटिन्यू करिएगा, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा वॉच करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और मैं जानती हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है। तो गाइस, लाइफ में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग की होती है, सब कुछ करके वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और फिर उसके बाद से वीडियो बनाना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो हम आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सीख कबाब बन के मेरी देवरानी लेके आई थी गर्मा गर्म। तो चलिए मैं फटाफट से मैं और मेरे बच्चे खा लेते हैं। हस्बैंड जी अभी नहीं हैं, वो आएंगे तो उनको भी दे देती हूँ। और कल के ब्लॉग में आप लोग ईद वाले ब्लॉग में देखे ही होंगे कि रात में मैं दाल भिगा के रखी थी, तो दही बड़ा भी बनाना है, तो वो भी मैं इसी ब्लॉग में ऐड करूँगी। तो रात में भिगाई थी, अभी शाम में मैं उसको पीस लेते हैं। पीसने के बाद 2 घंटे 2.5 घंटा जो भी है रखेंगे। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ, ये दाल है भिगा हुआ, तो बस मैं पीस ली थी, पहले ही पीस के रख दी थी। थोड़ा सा आपको दिखाई हूँ वीडियो क्लिप, मतलब पीसते हुए भी मैं वीडियो शूट की हूँ गाइस, तो वो शायद वीडियो मुझसे डिलीट हो गया है, नहीं तो आप लोग को बताती कि मैं किस तरह से दाल को पीसती हूँ, कितना पानी डालती हूँ, कैसे करती हूँ कि इतना सॉफ्ट दही बड़ा बन के रेडी होता है। इतना सॉफ्ट बनता है कि टूट भी सकता है, तो बहुत लोग का सॉफ्ट नहीं बनता है। तो मैं बता देती आप लोग को, पर वो वीडियो जो है मतलब डिलीट हो गया है किसी वजह से। उधर साइड में हस्बैंड जी आ गए हैं, तो उनके लिए सीख कबाब और लाई जो भी है वो खाने जा रहे हैं। तो इधर मैं साथ ही साथ अपने बड़े जो है दही के वो बना रही हूँ। तो बने रहिएगा मेरे साथ गाइस, मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप लोग जब तक वीडियो को एंजॉय करिए, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। यहाँ पे हस्बैंड जी भी लाई कबाब जो है वो खा लिए हैं। तो बच्चे जो हैं वीडियो बहुत सारे वीडियो शूट कर देते हैं, मैं तो किचन में हूँ गाइस, मतलब किचन से अभी मतलब दही बड़े बन गए हैं, तो यहाँ पे हॉल में मैं यहाँ पे हूँ, इसलिए थोड़ा सा गर्मी हो रहा था, किचन में फ़ैन नहीं है, तो वो भी लग जाएगा बहुत जल्दी, वो भी आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। तो दही बड़े जो हैं बन चुके हैं, तो पानी में थोड़ा सा रखती हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट नरम जो है बनता है। और तो बस इसको पानी सब निकाल देंगे। तो ये मेरी बेटी वीडियो शूट की है, इसीलिए इस तरह से आप लोग को कभी इधर कभी उधर दिखता होगा। तो
बच्चे हैं वो भी शूट बहुत सारे वीडियो शूट करके रखते हैं, तो बहुत सारे मैं क्लिप ऐड करती हूँ, बहुत सारे डिलीट कर देती हूँ। तो उसी चक्कर में मैं दहीवड़े का जो दाल पीसी हूँ, कैसे पीसी हूँ, वो सब भी मतलब डिलीट हो गया है, मुझसे ही हुआ है। तो हो जाता है कभी कभी ऐसे ही, तो अभी क्या कर सकते हैं, बस इसको पानी से अलग करके और फिर से दही डालेंगे। क्योंकि कल जो मैं बनाई थी ईद वाले ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे, तो ढेर सारे दही बड़े बनाई थी, पर वो सब ख़त्म हो गया, इसीलिए फिर से आज मैं ये दही कल का ही जमा हुआ है। तो देख सकते हैं कितनी मोटी छाली जमी है, तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त एकदम दही में मोटी छाली जम गई है। तो इसको मैं अलग कर दें, छाली को मतलब अलग रख देंगे और फिर थोड़ा सा दही भी निकाल देंगे, क्योंकि दही बड़े से ज़्यादा दही दिख रहा है, तो इसलिए थोड़ी सी दही मैं निकाल दूँगी कि जिसको खाना होगा वो खा सकता है ऐसे। तो देख सकते हैं सारी छाली को अलग कर दी हूँ मैं, और अभी दही जो है वो निकाल देती हूँ। तो बहुत ही अच्छा दही हमारा जम के रेडी हुआ था। तो आपको मीठी दही चाहिए होगा तो आप जब दूध बॉईल करते हैं तो उस वक्त शक्कर डाल सकते हैं, तो वो भी दही बहुत ही अच्छा मतलब जमता है, मीठा मीठा लगता है। और नहीं तो दही बड़े में थोड़ी सी मैं शक्कर, थोड़ी सी चीनी 2 टेबल स्पून के आसपास मैं शक्कर डालती हूँ, तो थोड़ा सा मीठा टेस्ट आता है इसका। और बाकी जो दही बड़े का मसाला है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, चांदरात वाला जो ब्लॉग मेरा गया है 2 दिन मतलब, तो उसमें आप लोग को दही बड़े का जो मसाला मैं बनाती हूँ वो किस तरह से बनाती हूँ वो सब मिल जाएगा आपको, तो आप लोग चेकआउट करिएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी 2 टेबल स्पून के राउंड मैं शक्कर डाल दी, थोड़ी सी मीठी दही बड़े बने, मीठी चटपटी जो खट्टी दही है तो दही से खट्टापन आ जाता है और चीनी से थोड़ा मीठापन हो जाता है और बाकी जो मसाला है उसे चटपटा हो जाता है, तो सारे फ्लेवर रहते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी दही में ऐड करती हूँ मैं, दही बड़ा देख सकते हैं फूलने के लिए 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे उसको, उसके बाद से सर्व करेंगे। तो यहाँ पे 1.5 घंटे हो गए हैं गाइस, तो ये सब मैं निकाली हूँ, भेज रही हूँ जहाँ जहाँ भेजना है मुझे, बाजी के घर, मम्मी के पास, और ये नीचे जाएगा। तो गाइस यहाँ पे अभी चावल बन रहा है, कुकर में दाल बन चुका है, और यहाँ पे अभी मैं दही बड़ा जो था वो मैं अभी जिसको जिसको मतलब मम्मी को, बाजी के घर और नीचे देवरानी है उनको भेज दी हूँ। तो इतना ही बचा हुआ है, आप लोगों को दिख सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इतना ही दही बड़ा बचा हुआ है, तो हम लोग खा लेंगे, बच्चे हैं। और कल का चिकन भी इतना सारा बचा हुआ है, तो ये है, और यहाँ दाल चावल, और फिर यहाँ पे और एक कबाब भी रखा हुआ है, तो उसी से मिला के हम लोग का आज रात का डिनर जो है हो जाएगा। तो किचन देख सकते हैं थोड़ा मोड़ा जो बर्तन वर्तन है वो, ये 2 टिफिन है, कल इसमें खाना गया था, तो ये मैं धो दूंगी फिर से, मतलब धुला हुआ ऐसे भी है पर फिर भी धुल देना चाहिए। तो और यहाँ पे मैं मशीन भी लगाई हूँ, तो यहाँ पे कपड़े भी जो है वो वॉश करने के लिए रखे हुए हैं, मतलब डाल दी हूँ, मतलब वॉश हो चुका है, सिर्फ पानी से जो पंगाला जाता है वो हो रहा है। और यहाँ पे आपको टाइम दिखाते हैं, तो घड़ी जो है मेरा बिल्कुल खराब हो गया है, तो टाइम का अंदाजा आप देख सकते हैं, सीरियल के अंदाजा से आप लगा सकते हैं टाइम। तो गाइस वीडियो आज की बहुत ही काफ़ी छोटी थी, वैसे तो मैं बहुत लंबी वीडियो बनाती हूँ, तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। और देख सकते हैं आप लोग दही बड़े कितने सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट बने, बहुत ही स्पंजी बनता है, तो इस तरह से आप बनाएं और देखिए बहुत ही सॉफ्ट बनता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।